इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, चैनल 24 न्यूज प्लस के मनमोहक जीवनोपयोगी शिक्षा प्रद जीवन की धारा, जीवन की दिशा को बदलने वाले पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, पतन से उत्थान की ओर जाना। यानी यह एक ऐसा कार्यक्रम है, रोज आपको टिप्स दिए जाते हैं, प्रतिदिन आपको ऐसे ऐसे जो बर्निंग सब्जेक्ट्स हैं, बर्निंग टॉपिक्स हैं, जो कि कॉन्टेम्प्रेरी टॉपिक्स है, उसके बारे में आपको चिंतन दिया जाता है, आपको अच्छे सद्विचार दिए जाते हैं, ताकि कि आपकी जीने की पद्धति, जीवन की धारा में परिवर्तन आए। यह जीवन में परिवर्तन लाने का कार्यक्रम है। उसी दिशा में आज हमने विषय रखा है, मानसिक स्वास्थ्य कारण निवारण। भाई और बहनों, ऐसा कहा जाता है, द अल्टीमेट एम ऑफ मैन इज टू अचीव मेंटल पीस। मेंटल पीस इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ए मैन हु इज मेंटली पीसफुल, ही इज द मोस्ट सेटिस्फाइड फेलो ऑफ इस कॉस्मोस, ऑफ दिस नेचर, ऑफ दिस अर्थ। आखिर हम ये मनुष्य जीवन जी रहे हैं, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? और जीवन के अंदर हम सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है, और संपूर्ण सुख की स्थिति जिसके बाद के अंदर कोई दुख ना हो, वह स्थिति मोक्ष की कहलाती है। उसको हमें भारत के सभी धर्म दर्शनों ने अंतिम साध्य के रूप में माना है। वह हमारी मंजिल है, वह हमारा लक्ष्य है, वह हमारा टारगेट है, वह हमारा जो है एम है बंधुओं। लेकिन इस जीवन का एम यह है कि हमारे जीवन के अंदर मानसिक शांति आए, मानसिक संतुलन बना रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की परिभाषा दी है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्व प्लस अवस्थ, मतलब अपने में अवस्थित होना। अपना क्या? अपनी आत्मा, आत्मा के अंदर अवस्थित होना स्वास्थ्य कहलाता है। क्योंकि अपना सिर्फ आत्मा ही है, ये शरीर तो विनाशी है, ये कल जल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये तो मिट्टी की तरह है, लेकिन जो अविनाशी तत्व है वह आत्मा है, वह अजर है, अमर है, शाश्वत है, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकती नहीं। ऐसा एक महान तत्व है जो कि स्वयं अपने आप में ईश्वर है, जो कि स्वयं अपने आप में परमात्मा है, वह शाश्वत है बंधुओं। और उस शाश्वत तत्व, उस ईश्वर तत्व का सबसे बड़ा गुण है, वह है आनंद, वो है ब्लिस। तो मानसिक शांति एक आनंद की स्थिति है। इसीलिए इस स्वास्थ्य जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य को 5 भागों में बांटा है, और जिसको 5 ही तरह के स्वास्थ्य होते हैं, वो होलिस्टिक हेल्दी कहलाता है। वो कौन कौन से हैं? फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, और स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य। आज हम इस 5 स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, समय की सीमितता है, और उसके साथ साथ हमारा विषय भी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो मानसिक का अर्थ होता है मन से जुड़ा हुआ है, मन का स्वास्थ्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम मन को समझना पड़ेगा। मन किसे कहते हैं? हमारे विचारों का संयोजन करने वाला मन कहलाता है। मन के 2 कार्य होता है। जो शरीर आप मेरा देख रहे हैं, भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये स्थूल शरीर से हम प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे भीतर की ओर जाएं
तो हमारे पांच इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, और इन पांच इंद्रियों के कुल 23 विषय है जो कि बाहर के चित्र देख करके और वो विषयों को ग्रहण करती है, उन पुद्गलों विषयों के पुद्गलों को ग्रहण करती है, और ग्रहण करना मात्र हमारी इंद्रियों का कार्य है, उनकी ड्यूटी वहीं समाप्त हो जाती है, और वो अपने मैनेजर मन को उस विषय का जो जैसा दृश्य देखा, जैसा स्पर्श किया, जैसी बात सुनी, जैसी सुगंध दुर्गंध सुना, वो मन को दे देते हैं। अब मन इस पर योजना बनाता है, ये मन का कार्य है, और मन का दूसरा कार्य है चिंतन करना। चिंतन किसका, कि भूतकाल के अंदर मन चला जाता है तो वो भूतकाल की स्मृति करता है कि मैं 10 वर्ष का यहाँ था, मैं यहाँ जन्मा था और मैं इस स्कूल के अंदर पढ़ा था, वो भूतकाल की स्मृति के अंदर जाता है। और वर्तमान का चिंतन, जो कि भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम और आप मिलकर के एक विषय के ऊपर वार्तालाप कर रहे हैं, इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निध्यासन कर रहे हैं, ये हमारा वर्तमान काल का चिंतन कहलाता है। और भविष्य का चिंतन ये होता है कि मुझे कल का ये कार्य करना है, आगे जाकर मुझे ये बनना है, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, और मुझे इस तरीके से भविष्य की कल्पना जो है वो मन करता है, ये मन का कार्य है। तो कहने का अर्थ होता है मन के अंदर हर वक्त चिंतन चलते रहते हैं, थॉट्स, जितना विचार आता है वह मन के अधीन है और वही मन है। और मानसिक संतुलन कहिए या मानसिक शांति किसे कहते हैं, कि व्यक्ति जिस जो कार्य कर रहा है उसी में ही बिजी रहे। जैसे कि मैं अभी आपके सामने स्पीच दे रहा हूं, तो मेरा मन है उस स्पीच के अंदर रहना चाहिए, और श्रोतागण, दर्शकगण, भाई और बहनों, आपका मन मेरे को सुनने में रहना चाहिए। इसको हम भाव क्रिया कहते हैं, कि वर्तमान में जीना, जिस वक्त कार्य कर रहे हैं, खेलने के समय खेल में मन, पढ़ने के समय पढ़ने में मन, चिंतन के समय में चिंतन में मन, माला फेर रहे हैं तो मन माला में होने चाहिए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमारा ध्यान मोटरसाइकिल में होना चाहिए, हम सो रहे हैं तो हमारा ध्यान नींद में होना चाहिए, इसको भाव क्रिया कहते हैं। और ये मन की सबसे अच्छी स्थिति आ जाती है। व्यक्ति को कभी बेकार नहीं बैठना चाहिए। ऐसा कहा जाता है एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ डेविल्स, जो दिमाग खाली होता है वो शैतानों का घर होता है। इसीलिए हमारे दिमाग को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, तो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी विचार है हमारे भीतर आने लग जाएंगे और हम व्यस्त रहेंगे। अगर हमने भीतर, हमने विचारों के अंदर, भीतर के अंदर ऐसे अच्छे अच्छे विचार भर दिए हैं कि आसुरी प्रवृत्तियां, कौन सी नेगेटिव थॉट्स को आने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अगर ये हमारा स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर आप लोग अभी बैठे हैं, अब इसके अंदर बिल्कुल इतना पैक हो गया है कि एक ही व्यक्ति के आने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर आतंकवादी कहाँ से आएगा, बदमाश व्यक्ति, चोर लुटेरा कहाँ से आएगा। ठीक उसी तरीके से अपने दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आने के लिए बिल्कुल जगह नहीं छोड़े हैं। सूर्योदय से शाम तक, मतलब 24 आवर्स के अंदर हमारे दिमाग को जो है सद विचारों से भर दें, ताकि बुरे विचारों को, बुरे चिंतन को जगह नहीं आएगी, जगह ही नहीं मिलेगी। और वैसे भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा जो हृदय है वह कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर अच्छाई और बुराई, अच्छाई है वो पांडव है, बुराई है वो कौरव है। जिस तरीके से जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर जो पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था, जहाँ गीता लिखी गई थी, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, वह स्थिति हमारे पूरे जीवन भर चलती रहती है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो महात्मा लोग होते हैं, वो लोग जो है अपने इस चिंतन के अंदर बुरे विचारों को आने को स्थान नहीं देते हैं,
यह मानसिक शांति कहलाती है, ये मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है कि एवरी टाइम पॉजिटिव थिंकिंग्स रहनी चाहिए, विधायक भाव रहने चाहिए, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मानसिक स्वास्थ्य है वो पॉजिटिविटी से रहता है, पॉजिटिव थिंकिंग से रहता है। और अगर नेगेटिविटी ने घर कर लिया तो जितनी जितनी नेगेटिविटी बढ़ेगी उतनी उतनी पॉजिटिविटी गिरेगी और उतना उतना हमारी मानसिक अशांति होगी और हो सकता हम डिप्रेशन में चले जाएं, हम मैड बन जाएं। व्यक्ति जो है वो पागल क्यों होता है? क्योंकि एक ही विचार के पीछे वो इतना पड़ जाता है, 24 घंटे वही चिंतन चलता रहता है। और वह भी किसी की बदले की भावना, किसी के घृणा की भावना और कोई शोषण की भावना, कोई हिंसा की भावना, इस कारण मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब कभी भी मैं क्लास लेता हूँ, जैसे आपकी क्लास चल रही है, तो मेरे स्टूडेंट्स को प्रारंभ में 3 स्लोगन बुलाता हूँ, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये जीवन के अंदर भाई और बहनों 3 लक्ष्य हरे को रखना चाहिए कि थिंक पॉजिटिव, ये मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का अमोघ मंत्र है, ये मूल मंत्र है, ये महामंत्र है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है कि मेरे साथ कुछ भी घटित हो गया, किसी ने मेरा अनादर किया, तो हम उसको पॉजिटिव रूप में लें। एक तरीका ये होता है कि ये मेरा हिसाब है, जो किसी न किसी जन्म में मैंने उसके साथ अनादर किया तो वो हिसाब चुकता हो रहा है, मैं उसके प्रति ग्रेटफुल हूँ, उसके प्रति शुक्रिया अदा करता हूँ, वह मेरा सहयोगी है कि मेरा भार है, मेरा कर्जा उतार रहा है। एक तो थिंकिंग ये होती है, दूसरी थिंकिंग ये भी हो सकती है उसके अंदर है कि वो मेरे को अभी तो गाली दे रहा है, उसने मेरे को थप्पड़ तो नहीं मारी या मेरे को सूट तो नहीं किया, इतनी क्रोध की अवस्था में हो सकता मेरे को थप्पड़ मार सकता था, मेरे को सूट भी कर सकता था, तो लेकिन अभी इतनी। देखिए, ये जो हमारी थिंकिंग है ये क्या है, दुख में से सुख को निकालती है। तो हमारी सारी थिंकिंग जो है, दुख में भी सोचना कि ऐसी न ऐसी कोई पॉजिटिव थिंकिंग। आज भाई और बहनों, दर्शकगण, आज का मैं आपको एक उदाहरण दूं कि बेचारी 2 फुट की एक लड़की जो कि बैंक के अंदर आ रही थी, मैं भी वहां हाजिर था, बैंक में 10 सीढ़ियां थी चढ़ने के लिए, और उसका पैर कैसे ही पड़ता है, शरीर में कूब आई है, लेफ्ट पैर किधर ही चल रहा है, राइट किधर ही चल रहा है, हाथ किधर ही चल रहा है। भाई और बहनों, वह लड़की 10 जो है पौड़िए चढ़ करके बैंक के अंदर आई, बैंक में बात करके नीचे उतर करके अपने फादर के साथ के अंदर जो है वो बैठी, तो उस लड़की से मेरा वार्तालाप हुआ 2 मिनट। वो उसने बताया, अंकल मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, उस लड़की की उम्र 40 साल है, और वो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उसने PhD कर ली है। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि उसने कहा मैं तो दुख में से सुख निकालने वाली हूँ, कि मुझे ईश्वर ने कम से कम बुद्धि तो दी है, मेरा दिमाग तो चल रहा है, शरीर ठीक है, मुझे बेडोल मिला है, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है और मेरी बुद्धि बहुत तेज है, उस बुद्धि के बल से मैं काम कर रही हूँ। तो भाई और बहनों, कभी नर्वस नहीं होना, ईश्वर को धन्यवाद देना कि हे ईश्वर, आपने इतना तो दिया है। कोई विकलांग होता है, वह ईश्वर से प्रार्थना करे, आपकी इच्छा मेरे कर्मों की वजह से ये हुआ, लेकिन शेष तो बाकी है ना। ये मानसिक शांति के लिए बहुत ही अच्छा है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद तरोताजा होकर पुनः इसी विषय पर फिर चिंतन करेंगे। दर्शकगण, श्रोतागण, हमने ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद तरोताजा होकर पुनः हम इस विषय के ऊपर चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं। अब भाई और बहनों,
मन क्या है, मानसिक शांति क्या है, ये हमने अच्छी तरह से जाना। अब प्रश्न ये, खाली थ्योरी जानने से जो है कार्य नहीं होता है, हमें प्रैक्टिकल बात, ये कारण मालूम हुआ, अब ये मानसिक अशांति का निवारण कैसे हो उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, कुछ प्रयोग करने चाहिए। तो भाई और बहनों, इसके प्रयोग के अंदर योग सबसे बड़ा अच्छा साधन है। और योग को हम किस तरीके से कराएं, प्रारंभ में कोई व्यक्ति मानसिक शांति चाहता है तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज टू हैव ए गुड हेल्थ। और हेल्थ के बारे में कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमें मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए हमारी जो दिनचर्या है, हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। सबसे पहला मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए हमें सूर्योदय से पूर्व उठ करके मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। जितना आदमी का शरीर साथ देता है उतना मॉर्निंग वॉक करते हैं, फ्रेश एयर मिलती है, ये प्राण वायु शरीर के एक एक अंग में एक एक कोशिका तक जाती है, ये अमृत हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और 24 आवर्स हम तरोताजा रहते हैं। तो भाई और बहनों, आप नोट करें कि मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठना, और दूसरा उसके बाद के अंदर ईश्वर प्राणिधान, हमें ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। ये सारी जो जगत नियंता है ना, इस सृष्टि को बनाने वाला वह ईश्वर है, वह शाश्वत शक्ति है, जगत नियंता जो है व्यवस्थित शक्ति है, जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं। तो कर्ता वो है, हमको कभी किसी कार्य का कर्ता नहीं बनना है मानसिक शांति के लिए, और हमें हर वक्त सोचना है जीवन भर कि कर्ता बनने की मेरी योग्यता नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ और मुझे निमित्त मात्र ही बनना चाहिए। निमित्त मात्र कैसे बंधुओं, मैं आपको भाई और बहनों उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि चाय बनने के लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, पत्ती चाहिए, मसाला चाहिए, स्टोव चाहिए और भगोना चाहिए। इन सब चीजों के मिलने से हमको एक कप चाय बनती है और हम कहते हैं कि चाय मैंने बनाई। अरे हम कैसे बना सकते हैं, दूध ना हो, पत्ती ना हो, पानी ना हो तो चाय कैसे बन गई, हम करता नहीं है। हम तो दस दस लोगों ने मिल करके, दस चीजों ने मिल करके चाय बनी, उसमें से एक व्यक्ति यानी वो निमित्त हुआ, करता नहीं है। करता तो ये इतने संजोग, इतने ये संजोग है वो करता है, उस संजोग को जो है हम व्यवस्थित शक्ति कहते हैं, कुछ ईश्वर कहते हैं। तो अपने आप को भाई और बहनों, अगर खुश रहना है, मानसिक शांति में रहना है, तो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति को माने, अपने आप को निमित्त कभी न माने। आज मैं आपके सामने ये अहंकार, जो हम करता बनते हैं तो वो हमारे कर्म का बीज होता है और वह अहंकार पैदा करते हैं। तो जैसे मैं आपके सामने मेरी प्रस्तुति दे रहा हूँ और मन के अंदर ये सोचता हूँ कि ये करता मैं हूँ, मैंने दिया है, अरे मैं कहाँ से हूँ, मैं तो एक टेप रिकॉर्डर हूँ, बोलने वाला प्रभु है, बोलने वाला गुरु है जो मेरे इस ज्ञान केंद्र पर विराजमान, मैं तो एक हार्डवेयर हूँ, मैं तो एक टेप रिकॉर्डर हूँ, टेप रिकॉर्डर बोल रहा है, लेकिन इस हार्डवेयर को चलाने वाला गुरु है जो कि आज्ञा चक्रम पर बैठा है और वही शब्द दे रहा है, वही वाणी दे रहा है, वही चिंतन दे रहा है, तो मैं कितना फ्री रहता हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, मैं निमित्त हूँ। तो भाई और बहनों, हमेशा अपने आप को करता कभी नहीं माने, निमित्त माने। तीसरी बात जो है सुख रहने के लिए, कि जैसा मैंने पूर्व में बताया, दुख में से सुख निकालें। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके उसके अंदर हम ईश्वर को, प्रभु को धन्यवाद दें, इससे बुरी भी स्थिति हो सकती थी लेकिन आपकी कृपा से इतने के अंदर ही टल गया। मतलब सूली है वो सूल से टल गई,
मतलब हमको सूली लगने वाली थी, लेकिन उसका रूपांतरण हुआ प्रभु कृपा से, कर्मों की कृपा से, सदव्यवहार से, कि मात्र वो जो है हमने कष्ट एक सूल यानी कांटे के रूप में भुगत करके और उसका उसका छुटकारा किया। तो भाई और बहनों, अब कुछ योग की बात करें। योग के अंदर आसन है, आसन प्रतिदिन हमें करने चाहिए, प्राणायाम करने चाहिए। अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको आसन करके बताऊं। आसन पद्मासन है और धनुरासन है और मयूरासन है और मत्यासन है, अर्धमत्यासन है और सर्वांगासन है, तो इस तरीके ताड़ासन है, ऐसे बहुत से आसन हैं। उस आसनों को प्रतिदिन थोड़े समय अवश्य करना चाहिए। उन आसनों को करने से हमारे मसल्स है ना, हमारे मसल्स से वो कोमल रहते हैं, हमारे मसल्स में तनाव नहीं आता है। ये हमारा मानसिक अशांति और नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं कि मसल्स में तनाव होता है, वो हमारी मानसिक अशांति को, हमारे विचारों को दूषित करता है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, उसके बाद में चलूं प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर अनुलोम मुनुलोम, श्वास विलोम, श्वास परीक्षा और हमारी कपाल भाति और इस तरीके से कई तरीके से किए जा, भस्त्रिका की जा सकती है। और आसन प्राणायाम के अलावा ध्यान सबसे सरल और सबसे आसान मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान में किसी साधन की जरूरत नहीं होती है। भाई और बहनों, आप जिस स्थिति में मैं बैठा बैठा अभी यहाँ ध्यान कर सकता हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद हो और अब आप ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए और सारी प्रतिक्रिया को रोक दीजिए। ध्यान कैसा सुंदर है कि दिमाग को खाली करना, शरीर को खाली करना, कायोत्सर्ग करना, के शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग आत्मा के अंदर शिफ्ट हो जाना, शरीर का भान न होना, उसका नाम कायोत्सर्ग है। शरीर इतना हल्का हो जाता है, हमको महसूस होता है कि हम अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ रहे हैं। और ध्यान में भाइयों, मतलब प्रयत्न से अप्रयत्न की ओर जाना। ध्यान, हम दुनिया में विकास करने के लिए प्रयत्न करते हैं कि पैसों का साधन जुटाते हैं और हम कई योजनाएं बनाते हैं, लोगों तक भेजते हैं, लोगों के कमेंट्स लिखते हैं, लोगों का सहयोग लेते हैं और कई कई तरह के हम साधन जुटा करके हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन ये जो ध्यान है, मानसिक शांति है, वह प्रयत्न से अप्रयत्न की ओर जाना। हमारा सारा भीतर का जगत क्या कहता है कि जो प्रयत्न से अप्रयत्न की ओर जाता है वो आत्मा में निवास करता है। तो ध्यान के माध्यम से जो है हम आते जाते जितने विचार हैं उन विचारों से उन्मुक्त हो जाएं, विचारों को पकड़े नहीं, विचारों को हम माने कि वो पतंग की तरह है और उस पतंग का मंजा हमारे हाथ में रहना चाहिए। हम क्या होता है जब पतंगबाजी करते हैं, तो जब पतंग उड़ता है, पतंग झटका देता है वो, तो हम क्या मंजे को ढीला छोड़ देते हैं, पतंग आगे से आगे अपने आप बढ़ता जाता है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। उधर से झटकाया और हमने मंजे को पकड़े रखा तो वह हमारे हाथ को काटेगा, टेंशन पैदा कर। ठीक इसी तरीके से बंधुओं, हम जब ध्यान करने बैठे तो हमारे किसी तरह के विचार आवे, उन विचारों को आप छूट दे दीजिए। जहां जाना हो जाओ, आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से आप स्वतंत्र हो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। ठीक उसी तरह से एक बच्चा जब हट पकड़ लेता है तो हम उस हट के प्रति हम भी हटीले हो जाते हैं, उस पर दबाव डालते हैं कि वह हट नहीं करे, वो रोए नहीं, उसको पकड़ते हैं। बंधुओं, वो ज्यादा रोता है। और बच्चा जब रोने लग जाए, किसी चीज की जिद करे, आपकी उसकी उपेक्षा कर दीजिए, थोड़ी देर रोता रोता वह सो जाएगा या अपने जो है उसको नींद आ जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारी स्थिति होनी चाहिए, हम विचारों को रोके नहीं। ये ध्यान की बहुत बड़ी कंडीशन है। और ध्यान के अंदर आते जाते विचारों को देखना है, हमारा श्वास लंबा आ रहा है, गहरा आ रहा है, समतल आ रहा है, ठंडा आ रहा है। श्वास को लंबा करें और लंबा भीतर जाने दें और श्वास की संख्या को घटाएं,
भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो आज के मेडिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने कई परीक्षण किए हैं, कई शोध किए हैं, उसके निष्कर्ष आए हैं। वो निष्कर्ष ये बताता है, सामान्य व्यक्ति एक मानसिक जो है शांति की स्थिति में होता है तो आता जाता एक सांस कहलाता है। बकायदा घड़ी लेकर के आप बैठ जाइए, वह व्यक्ति एक मिनट के अंदर 16 सांस लेता है। और अभ्यास के द्वारा हमने उसको सांस को लंबा करके और गहरा करके हमने 16 से उसको 14 पर लाए, 12 पर लाए, 10 पर लाए, 8 पर लाए। हालांकि ये इतना सरल नहीं है, अभ्यास चाहिए, अभ्यास से होता है। जितनी जितनी सांस की संख्या अगर 10 पे भी आ जाता है तो भाई और बहनों, मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं उस व्यक्ति के अंदर कभी मानसिक अशांति हो ही नहीं सकती। वह व्यक्ति जीवन भर मानसिक अशांत नहीं हो सकता, उसे जीवन भर क्रोध नहीं आएगा, उसको जीवन भर कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी ने उपस्थित होकर इसको, आपके और हमारे सहयोग से हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जा रहा है। क्योंकि जब वक्ता के सामने श्रोता का ध्यान होता है, जब वक्ता को ये लगे कि श्रोता मेरी बात पर ध्यान दे रहा है और मेरी बात उस पर असरकार हो रही है, तब श्रोता अपनी बात को और कहने का उसका मन हो रहा है, तो मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हर कार्यक्रम के अंदर आप बड़े टकटकी लगाकर, बड़ा दद्दचित होकर के, एकाग्र होकर के मेरी बात को सुनते हैं। तो पूरे जगत का कल्याण हो, सब जगत के लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आपको भी सुख मिले, शांति मिले। वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। जगत कल्याण हो, जगत के लोगों को, समस्त जीवों को मोक्ष मिले। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं